कैमूर जिले में पहले तो पूर्व के रंजिश को लेकर अपने दोस्त के साथ मिलकर युवक की गला दबाकर हत्या किया और बाद में हत्या के विरोध में सड़क जाम कर पुलिस पर रोड़े बरसाए और जनाजे को कंधा भी दिया। लेकिन लाख जतन करने के बाद भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर ही लिया और जनाजे को कंधा देने वाला ही हत्या का आरोपी निकला। पुलिस ने दो लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सलमान अली पिता जमालू मियां और उसका दोस्त बिट्टू पाल पिता सूर्य प्रकाश पाल दोनों दुर्गावती बाजार के निवासी हैं। वही हत्या में प्रयुक्त गमछा व अन्य सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस को यह कामयाबी 12 घंटे के भीतर ही मिल गई है। हत्या के विरोध में जाम कर रहे लोगों से पुलिस अधीक्षक ने वादा किया था कि 12 घंटे के अंदर ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे और उन्होंने अपना वादा पूरा करके लोगों का भरोसा जीत लिया। घर के पीछे उसको फोटो खींचा था, उसका फोटो खींचने के बाद उसको ब्लैकमेल कर रहा था। फोन करने पे जब वही बोल रहा था कि फोन करो मेरे ऊपर, तो फोन कई बार उसको समझा देते थे। तो इस बार बुलाए थे बाजार में, तो बाजार में अशरफ अली जो वो है उनके सामने रहते हैं अशरफ अली, मोबाइल से बतिया रहते थे, इसीलिए हम चले गए लॉज के लिए पीछे बतियाने के लिए चले गए। तो वही इसको हम समझा रहे थे, तो हम इसको बोले कि मेरी बीवी है थोड़ा कदर करो ऐसे ऐसे, बोले कि बीबी ना है, अब बोल रहा है कि वो खुद लड़की ही हमको चाहती है तो हम क्या कर सकते हैं। तो वही बोला, तो वो बोले उल्टा सीधा कि देख मेरी बीबी है छोड़ दे बस, हमें इतने भाई है तो इसी बात को लेकर तुम बुलाए थे उसको कि उसको हाँ बीबी का फोटो खिला था, ब्लैकमेल कर रहा था और उससे मतलब डायर के पीछे मिलने के लिए। तो इसको हम बोले तो इसका कारण हम पकड़ लिए थे, एक फाइटर को मार दिया था, इसी पे हम दोनों को गुस्सा आया। कैसे फोन करके बुलाए थे? फोन करके बुला रहे थे मार्केट में, तो हाँ मार्केट में बोल रहे थे अशरफ अली जो है ना मोबाइल से बतिया रहे थे, ताक रखे इधर थे, हम लोग चले गए उधर। तब मारे कैसे ये बताओ? गमछा पकड़ के एक्साइटमेंट पकड़ के गमछा से गला दबाए थे। अरे बोलिए सर, कल एक मोहम्मद जमील दुर्गावती थाने में सूचना दिए कि इनका पुत्र रात में कोई कॉल आया था, उसके बाद से ये लापता है। तत्काल पुलिस द्वारा कांड संख्या 208-20 धारा 365 भादवी के तहत दर्ज करके इसका अनुसंधान आरंभ किया गया। फिर कल अपराहन में नदी के किनारे उस लड़के का शव बरामद हुआ, जिसके गले में मतलब इसका निशान थे, जिससे जख्म थे और शरीर पर भी चोट के निशान थे। कुछ देर के लिए विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हुई और फिर जाके लोगों को समझाने पर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कराया गया और पुलिस के द्वारा अपना अनुसंधान जारी रखा गया। अनुसंधान के क्रम में दो लड़कों को गिरफ्तार किया गया, एक जो मृतक का भाई है सलमान अली और दूसरा बिट्टू पाल उसका दोस्त। दोनों के द्वारा पहले तो इनकार किया गया, लेकिन बाद में जब पुलिस के द्वारा गहराई से पूछताछ की गई तो अपना अपराध स्वीकार किया गया। घटना में जो मोबाइल प्रयुक्त हुआ वो मोबाइल भी बरामद हुआ और इनके द्वारा बताया गया कि जैसा कि अब ये सलमान अली बता रहे हैं कि मेरी पत्नी का कुछ वीडियो बना लिया था जिस पर एक्सटॉर्शन करता था या कुछ, लेकिन जो पुलिस अनुसंधान में तथ्य है उसमें ये तथ्य आया है कि सलमान अली का किसी गांव के ही लड़की से प्रेम प्रसंग था, जिसको कि ये मृतक देख लिया था और गांव में हल्ला कर दिया था, जिसके कारण सलमान अली को उस लड़की से विवाह करना पड़ा था, पंचायती हुई थी उसमें विवाह करना पड़ा, तभी से ये खुन्नस पाले हुआ था और कल इसको बुला करके इसी आक्रोश में हत्या करने की बात मृतक के पिता द्वारा बताई गई। इसमें जो गमछा यूज किया गया था हत्या में उसको ये लोग जलाने का भी प्रयास किए थे, लेकिन इनकी निशानदेही पर वो गमछा भी बरामद किया गया है। और इसमें एक और चीज़ है, जब विधि व्यवस्था की समस्या यहाँ पर हो रही थी, ये जो अभियुक्त है यही आगे आगे भीड़ को पत्थर लेकर पुलिस के खिलाफ भड़का रहा था जो, और इसका पिता, तो वो भी अलग से एक FIR हो रहा है इनका। दूसरा है कि ये मृतक के जनाजे में भी शामिल था, कंधा दे रहा था, कंधा लेने के लिए भी गया था मृतक के जनाजे में और सारा मतलब अगुवाई भी कर रहा था पूरा परिवार का, हत्या भी किया था और परिवार, लेकिन वहीं से पुलिस द्वारा जो हम लोग की पक्की सूचना थी उसके बाद जो पूरा अनुसंधान में आया था गिरफ्तारी हुई, दोनों के द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया और दोनों को। कितने घंटे में गिरफ्तारी हो गई सर? ये कम से कम 12 घंटे के अंदर सारा केस का उद्भेदन हो गया, सारा